तो आप अंदर चल के आएंगे तो ये गेट है रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली का, ये इस तरीके से स्मारक बनाया हुआ। तो आइए फिर हम अंदर चलते हैं। जैसे आप गेट से अंदर करेंगे तो दोस्तों ये देखिए एक जो स्मारक है, स्मारक के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई जी का एक स्टेचू और उनका घोड़ा भी है साथ में। तो बिल्कुल ये उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। देखिए दिख सकता होगा, देख रहा हो, दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों आपका दिख रहा होगा शायद। ये थोड़ा पास से ले जाके बता देता हूँ, थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है इसकी। और एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे इनके स्मृति स्थल पे लिखा हुआ स्मृति स्थल रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतना क्रांति में महानायिका, यानी ये लेडीज़ थी इसलिए इनका महानायिका का शब्द का प्रयोग हुआ। ग्वालियर के निकट वीर गति को प्राप्त हुई, तो ग्वालियर के निकट तो ये वीर गति को प्राप्त हुई, तो उनके जन्मस्थली यहाँ पे थी काशी जी में। काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृतांत पूरा लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे। गंगा घाट के निकट स्थित इसी स्थल पर बलवंत राव मनु के दादा द्वारा निर्मित घर में भागीरथी बाई के गर्भ से 19 नवंबर 1935 को मरणोपरांत तांबे के यहाँ कन्या का जन्म हुआ और भागीरथी बाई की इच्छा से बालिका का नाम माणिकर्ण की शेप में यानी मनु हुआ। मरणोपरांत भागीरथी बाई ने अपनी पुत्री मनु को बड़े लाड प्यार से पाला। कहने का मतलब पूरा इनका हिस्ट्री है, तो देखिए आप लोग जो इनकी लक्ष्मीबाई जी की जीवन का पूरा हिस्ट्री दे रखी है यहाँ पर। और लास्ट में लिखा हुआ 1857 क्रांति की इस नायिका ने महानायिका ने 18 जून 1858 को अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। और ये बाजीराव पेशवा की देख रेख में मनु का लालन पालन किया गया। ये बाजीराव पेशवा थे, इनकी देख रेख में इनका लालन पालन हुआ बचपन में, और यहीं से इन्होंने तलवारबाजी वगैरह चलाना सीखा। ये देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, आगे वाले चित्र में गंगाधर राव व लक्ष्मीबाई, ये जो गंगाधर राव जी थे इनके हस्बैंड थे शायद, और रानी लक्ष्मीबाई जी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दोस्तों और दीवारों पे कुछ कलाकृतियाँ उभरी हुई है, देखिए इसमें लिखा दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई, एंड नीचे वाली में गंगाधर राव जो कि इनके हस्बैंड थे रानी लक्ष्मीबाई के, गंगाधर राव का देहावसान व रानी का शोक। तो ये जो दामोदर राव ऊपर लिखा हुआ है इनके पुत्र थे रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के। और ऊपर वाले जो चित्र उसमें लिखा हुआ ये देखिए अंग्रेज़ों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी न स्वीकार करना, क्योंकि वो बच्चे थे इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था झांसी का उत्तराधिकारी। देन इसके बाद जो नीचे वाला है इसमें है बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेज़ों को रावत का जवाब और मंगल पांडे का विरोध। ये देखिए साइड में दिख रहा होगा ये मंगल पांडे की मूर्ति है और ये अंग्रेज़ों वगैरह की। और ये जो दिया हुआ चित्र इस पर लिखा हुआ रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज, ये देखिए प्रिंट किया हुआ बिल्कुल इसी तरीके से 1857 की जो क्रांति हुई थी पहली क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये उसका चित्रण है यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए ऐसा नॉलेज भरा कंटेंट लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। जय भोलानाथ की एंड जय गंगा मैया की।